दोस्तों, अगर आप सब भोजपुरी फिल्में देखते हैं तो आप सबने इस बच्चे को भी भोजपुरी फिल्मों में देखे होंगे। खास करके इनका एक गाना यूट्यूब पर काफी ज्यादा वायरल है, मम्मी पापा मेरे भगवान। आई एम श्योर आप सबने वो गाना देखा होगा, बहुत ही प्यारा गाना है। तो आज मैं आप सबको इसी गाने के बच्चे के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि इस गाने के बच्चे की जानकारी बताइए। मैंने पहले भी अपने चैनल पर भोजपुरी फिल्मों के बाल कलाकार के बारे में बताई हूँ। किसी भी भोजपुरी फिल्मों के बाल कलाकार की जानकारी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज भी एक बाल कलाकार की जानकारी आप सबको देते हैं, और इनके बारे में जानकर तो सच में आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इस बच्चे का असली नाम है कबीर और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कबीर अब तक भोजपुरी में 4-5 फिल्में कर चुके हैं। इनकी पहली फिल्म थी भोजपुरी में अटूट बंधन, जिसमें समर सिंह का ये बचपन का किरदार निभा रहे थे। और साथ ही कबीर फिल्म जबरिया फेरे, प्रीत का दामन 2, सेनूर, इन सब फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बात करते हैं कबीर के परिवार की। ये हैं कबीर के माता पिता। कबीर के मम्मी को आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनका नाम है शारदा नवल। इनकी मम्मी शारदा नवल भी भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं, सैकड़ों भोजपुरी फिल्में कर चुकी हैं। कबीर के पिता बिजनेसमैन हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। कबीर दो भाई हैं, इनको बहन नहीं है, सिर्फ ये दो भाई हैं। इनके छोटे भाई का नाम है ईसु। कबीर के छोटे भाई ईसु भी भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। इन दोनों भाइयों की पहली फिल्म थी अटूट बंधन। साथ ही आप सबने ईसु को फिल्म कॉर्पोरेटर बहू में भी देखे होंगे। अब बात करते हैं कि कबीर फिल्मों में कैसे आए। तो कबीर की मम्मी शारदा नवल फिल्म अटूट बंधन कर रही थी। उस फिल्म में हीरो के बचपन के किरदार के लिए दो बच्चे चाहिए थे। तो शारदा नवल जी ने अपने दोनों बेटों को डायरेक्टर को सजेस्ट किया। इनके दोनों बेटों ने ऑडिशन दिया फिल्म अटूट बंधन के लिए, और ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इस तरह दोनों भाई भोजपुरी फिल्मों में आ गए। अभी तो बाल कलाकार के रूप में आए हैं, आगे और आने वाली फिल्मों में हीरो के किरदार में भी नजर आएंगे। इनकी मम्मी को तो आप सब भोजपुरी फिल्मों में देखेंगे ही, साथ ही इनके दोनों बेटों को भी आप भोजपुरी फिल्मों में देखेंगे। तो दोस्तों, बाल कलाकार कबीर की पूरी जानकारी आप सबने तो देख ही लिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी मिल सके। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आगे आप किस बाल कलाकार की या किस हीरो हीरोइन की जानकारी चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। अरे भाई, अकेले क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी साले।